ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड टू नेशनल्स। अभी सुबह के कितने हुआ है, 6:30 आ चुका है। हमें फोर्सफुली थोड़ा जल्दी उठना पड़ा सो दैट हम जिम को एक्सेट्रा मैनेज कर सके। अभी मेरे और नील के पास खाने के लिए अराउंड 20 मिनट है, सो लेट्स शो यू गाइज व्हाट ऑल वी हैव। वेज कटलेट, ग्रिल्ड टोमेटोज, बेकन, वी हैव सॉसेज, ये कोई चिकन की ग्रेवी आई थिंक, मशरूम्स एंड पीस, वाह यार, बेक बीन्स, नील बेक बीन्स एंड टोस्ट और समथिंग लाइक दैट। वी हैव नूडल्स, परफेक्ट, हमें पास्ता चाहिए था। एंड हियर वी हैव अ वेरी नाइस सेक्शन जो आई डोंट थिंक मैं हाथ लगाने वाला हूँ, बिकॉज़ इट्स वे टू टेम्प्टिंग यार। पर ये मैं आई थिंक एक खाऊंगा, ब्लूबेरी डैनिश। कितने लोगों को याद है लास्ट टाइम आर्यन ने इसको दिनेश कहा था, यू रिमेंबर, ब्लूबेरी दिनेश, इट्स दैट। एंड वी हैव डोनट्स, सो ये है मेरी प्लेट और साइड पे हमने थोड़े से बॉइल्ड एग्स भी ऑर्डर किया है, बिकॉज आई डोंट थिंक इसके बाद टेक्निकली एज सच अंडे खाने को मिलेंगे। एंड टुडे इज़ डेडलिफ्ट डे, मैं एक्साइटेड हूँ, बस यश के कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक हम एनी टाइम वाले जिम जा रहा है, जिस जिम में मैं नहीं गया हूँ। आपको याद है मैं लास्ट टाइम लेग्स करने के लिए उस मल्टी स्टोरी जिम पे गया था, वो जिम था स्पोर्ट्स फिट जो द्वारका में लोकेटेड है। ये होटल भी द्वारका में है, बट आई थिंक एनी टाइम फिटनेस यहाँ से थोड़ा और पास है। एंड दिस ब्रेकफास्ट इज़ विद अ व्यू, ऑफकोर्स वहाँ पर सनराइज हो रहा है, बिकॉज वी वोक अप सो अर्ली, वी गेट टू सी ऑल ऑफ दिस। Even waffles or what? I just saw they have a waffle machine there. Waffles? Yeah. Tomorrow morning? Done. So problem ये है कि हमें sort of एक deadline है, मेरा 12 बजे muscle blaze के लिए एक shoot है, जिसके पहले मुझे gym और वो सब ख़त्म करना पड़ेगा, gym, stretching, mobility, so around 2.5 hours या 3 hours जाने वाले हैं। बट मैंने अभी अभी यश को फ़ोन किया, वो अभी भी सो रहा है। Now I don't know what I'm supposed to do, because मुझे वार्म अप के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, सो मे बी मैं और नील ये खत्म करके डायरेक्टली जाएंगे एंड वी कैन स्टार्ट ट्रेनिंग एंड वेट फॉर हिम आई गेस, बिकॉज बेल्ट और वो सब एनीवेज उसी के पास है, बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट वार्मिंग अप। इट्स गुड, इट्स परफेक्ट, सी इट्स नॉट टू स्वीट, इट्स जस्ट द परफेक्ट ब्लेंड बैलेंस। दिनेश, दैट टेस्ट टू गुड ब्रो, बट नो, I will not resist to temptation. So Neil की strategy मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं एक डुक्कर की तरह वहाँ पर जो दिख रहा है वो खा रहा हूँ और ऐसे एक एक लेके आ रहा हूँ, और he doesn't want to take a whole piece. Yeah. वो एक क्रम्ब ले रहा है, like a small crumb, just to taste it. और फिर वो सेटिस्फाई हो रहा था, पर मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये जो बनाना मफिन था, ये पता आर्यन की दादी जो बनाती है ना, उससे बहुत सिमिलर टेस्ट कर रहा था। रिक्शा का इंतज़ार करने तक, यू गाइस टेल मी दिस इज इंट स्मार्ट, ओके। सो यूजुअली पुणे के जो भी वर्कआउट्स रहते हैं वो 2-2.5 घंटे में ख़त्म होते हैं, पर क्योंकि हम दिल्ली में हैं, क्योंकि हम यश शर्मा के साथ ट्रेन कर रहे हैं, वर्कआउट को लगने वाला है 3 से 3.5 घंटे। और मुझे खुद की बॉडी पता है, मुझे पता है कि मुझे वर्कआउट के जस्ट बाद कुत्ते की तरह भूख लगने वाली है, सो चेक व्हाट आई डिड। मैंने इस छोटी सी बैग में, इस डब्बे में 100 ग्राम म्यूसली पैक किया, एंड मसल प्लेस पता नहीं क्या कर रहा है, बट ये उनका नया हाई प्रोटीन म्यूसली है जो मैंने कल फर्स्ट टाइम यश के घर पे खाया था। इट इज़ इनसेन फ्लेवर, 10 out of 10। ये कौन सा डार्क चॉकलेट एंड क्रैनबेरी फ्लेवर है, ये मैंने 100 grams पैक करवाया है। एंड लेट मी टेल यू गाइस द मैक्रोस, 100 grams में 430 calories है विद 26 grams ऑफ प्रोटीन, 26 grams ऑफ प्रोटीन, 54 grams ऑफ कार्ब्स, परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील। इससे मेरे ग्लाइकोजन रिजर्व्स रिप्लेनिश होंगे, मुझे प्रोटीन मिलेगा, एंड इट टेस्ट सो गुड। इस म्यूसली में हेल्दी फैट्स के लिए फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, नट्स, ये सब है, प्लस हमेशा की तरह इसके अंदर व्हीट फ्लेक्स, ओट्स, पार्सली, ये सारे ग्रेन्स है जो इस म्यूसली को एक बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर देता है। एंड अगर आपको ये ऑर्डर करना है, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ट्राई द न्यू हाई प्रोटीन वन, फ्लेवर आपको बहुत पसंद आएगा, आप बचपन में जो भी सीरियल्स खाते थे उसकी ये याद दिलाएगा। ऑल्सो आप सबके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर, मसल ब्लेज का फिट फूड्स फेस्ट 26th or 27th of October को चल रहा है, सो थैंक्स टू द सेल आपको प्रोटीन बार्स, ओट्स, सीरियल्स, म्यूसली, पीनट बटर, इन सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, सो सेल का फायदा जरूर उठाना एंड रीस्टॉक ऑन योर फेवरेट फूड आइटम्स। वाओ,
ऐसे रिक्शा में मैं कभी नहीं बैठा हूँ. This is damn cool, यार. It's electric. Huh? It's electric? Yeah. भैया ये इलेक्ट्रिक है. वो एडवांस्ड. Nice. क्या भैया? चार बैटरी होती है. अच्छा, चार बैटरी होती है. दिल्ली हम पहुंच गए हैं. एनी टाइम फिटनेस जो प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 12 या कुछ है. दिल्ली में पता है नाम बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग रहता है. सेक्टर के इतने सारे नाम है. ओके इधर एनी टाइम फिटनेस. यश 15 मिनट में आ रहा है. सो आई गेस हम ऊपर जाएंगे. वी विल चेक आउट द जिम अ लिटिल. रिसेप्शन पे बात करेंगे एक्सेट्रा. ओके वी फक्ड अप थोड़ा. हम गलत वाले सेक्टर में गए और वहाँ पर एनी टाइम में पूछा फुल कॉन्फिडेंटली कि यश शर्मा ने कल फ़ोन किया था हमारा, हमें शूटिंग करने की परमिशन है. एनी टाइम यश शर्मा कॉल है, क्या चल रहा है, दिस दैट. आई कॉल्ड यश, इज लाइक हम लोग गलत एनी टाइम में चले गए. इसीलिए सेकेंड रिक्शा. अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 7, वो वाला करेक्ट एनी टाइम फिटनेस है. ओके गाइज, वेलकम टू एनी टाइम फिटनेस. हम फाइनली पहुँच गए हैं. इस जिम में दो फ्लोर्स है, एक ग्राउंड फ्लोर, एक ऊपर और एक नीचे. अभी हम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं. यश हैज जस्ट कम. आज यश मेरे साथ डेडलिफ्ट करने वाला है मोस्टली. या लास्ट में करेगा पहले कर रहा है? नहीं, मैं पहले डेडलिफ्ट करूंगा, फिर चेस्ट भी एक्सेसरीज है. ठीक है, चल मैं पहले कर लूंगा. मेरा लास्ट था प्रैक्टिस. प्रैक्टिस था. ओके कूल. और नील भी डेडलिफ्ट कर रहा है. यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है. द वाइब इज़ गुड. और लकीली ऐसे कोने में है बिकॉज जिम फ्लोर पर अभी बहुत सारी भीड़ है, विच शुड डाई डाउन इवेंचुअली. बट लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट वार्मिंग अप. फीलिंग गुड. 135. यहाँ जिम्स में एसी का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, विच इज़ आई एम ऑलरेडी स्वेटिंग अ लिटिल. लेट्स गो, लेट्स किल. जिस चीज़ का आप सबको इंतज़ार था, इस चीज़ का कैफीन. कैफीन, कैफीन. हाँ तो मैंने जान पूछ के कॉफ़ी नहीं पी बिकॉज मैं इसके बाद कॉफ़ी पीऊँगा. कैफीन ऐसे फुल स्ट्रेटेजिकली मैंने प्लान किया. तू क्या टोटल 20 लाया? नहीं आ रहा, मैं 300 सह लेंगे थोड़ा. तो नो टोटल 20. अच्छा, टोटल 20 ही लेते हो? टोटल 20 इज गुड यार. मेरे को भी अच्छा लगता है, बट वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है यार. टोटल 20 का? या उसमें कुछ है. That looks clean. Ooh. Red is such a good color, yaar. Bro, wow. नशे करने का समय आ गया. अगर डिस्काउंट चाहिए तो यश 30 मत यूज करना, ताकि 30 यूज करो. अब तू मुझे ऐसे पत्ता है. प्रोटीन भी लाया हूँ. प्रोटीन? प्रोटीन. मैं 6 प्रोटीन बार लाया हूँ. मैं 3 प्रोटीन बार लाया हूँ. Like minded. दोबारा लेके देखा. हाँ तो ये वाला, हाँ पूरा प्रोसेस दोबारा देखा. पानी पी लिया. रुक रुक रुक, बिहाइंड द सीन. और पागल लोग ऐसे प्री वर्कआउट लेते हैं. आज लकीली एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर मैं वेस्ट की जो भी है वो एडजस्ट कर देता हूँ. और यह स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा भी लाया है. ऐसे या ऐसे? मैंने लीवर बेल्ट कभी यूज नहीं किया. ऐसे पहले एक लगा दिया, हटा लिया. एक आगे वाले में लगेगा. प्रीटी एडवांस. तो मैं शायद पहली बार स्पोर्ट्स शूज पहनकर डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिम में बेसिक ट्रेन करना अलाउड नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली इस जिम में बिना जूते वर्कआउट करना अलाउड नहीं है. तो मुझे फ्लैट्स के साथ डेडलिफ्ट करना पड़ेगा. वैसे कोच ने कहा था कि व्हेनेवर यू डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट विदाउट सॉक्स, बेयर फीट. बट जिम पॉलिसीज कांट डिसोबे देम. सो ये जूते पहनेंगे. 135 felt good. अभी 100 kgs के साथ वार्म अप करेंगे.
और फिर मैं आप लोगों को आज का टॉप सेट एक्सप्लेन करूंगा। कैसा है मनोज? कैसा? मुझे कितना कॉपी करेगा? बॉडी भी सेम, 16 mm लेंस भी सेम। क्या मनोज? आज मेरा टॉप सेट होने वाला है ये। दिस इज 140 kg। मुझे ये 7 रेप्स के लिए करना है। ये टॉप सेट है, टॉप सेट ऑफ 7 एट एन RP ऑफ अराउंड 5। सो जाएगा, हम फुल्ली कॉन्फिडेंट की जाएगा। और उसके बाद हम 2 बैक ऑफ सेट्स लगाएंगे और 7 रेप्स ईच। बट फर्स्ट लेट्स गेट दिस लाइट वेट। टॉप सेट ऑफ 7 खत्म। एक टिप जो मुझे कोच ने सॉर्ट ऑफ दी थी वो थी कि ट्राई टू थिंक ऑफ द डेडलिफ्ट नॉट एज अ पुल बट एज अ पुश। तो इस बार मैंने हर रैप पे थोड़ी बहुत कोशिश की टू थिंक ऑफ पुशिंग माई लेग्स अगेंस्ट द ग्राउंड और अच्छा गया। अब जो 2x7 है उसमें हमें -12% वेट करना है विच कम्स आउट टू बी 125 kg। सो बचे हुए 2 सेट्स हम उसके साथ करेंगे। One, 2, 3, 4, 5, 6. How many more? 7. बेल्टलेस? क्या बेल्टलेस? हाँ अभी इसको एडजस्ट करने का पहन, अभी मन नहीं कर रहा मेरा पहनेगा ना टॉप सेट के लिए। टॉप सेट कितना होगा? 200। ओके डेडलिफ्ट 2x7 डन। अभी टाइम आ गया है चेस्ट एक्सेसरीज करने का। यश अभी भी वार्म अप कर रहा है बिकॉज आपको याद होगा मैंने जो बेल्ट का स्क्रू एडजस्ट किया था सो यश कम्प्लीटली भूल गया कि उसको उसके टॉप सेट के लिए भी बेल्ट लगने वाला है। तो अभी वो सब अनस्क्रू करेगा, उसके सेटिंग के हिसाब से करेगा। बट टिल देन नील एंड आई विल गो हेड चेस्ट। क्या क्या बेल्ट नहीं बना? पागल है क्या? क्यों जाएगा? हल्का ही है, 200 kg जाएगा। क्या फोकस है जाएगा। अप 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 शोल्डर प्रेस। एक चीज अच्छी है यहाँ पर सब हैमर्स के इक्विपमेंट्स हैं। तो क्या ये जो चेस्ट प्रेस मशीन है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम वन। सो हमारा वेट जो भी लिफ्ट करते थे वो सब दिमाग में बैठा है। सो वी लिफ्ट द सेम थिंग।
एक चीज मैंने नोटिस की इस मशीन में, नीचे का जो पॉइंट है ना, अगर आप में से किसी को पिन प्रेस एक्सरसाइज पता है तो वो एक्सरसाइज हम ऐसे पावर रैक पे करते हैं जहाँ पर नीचे के पॉइंट पे बार पूरा डेड स्टॉप होता है, देयर इज नो मोशन, और फिर आप पुश करते हो। ये मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है सब मोड, बिकॉज नीचे मैं पूरी तरह से नीचे आया, आई वॉज वेटिंग फॉर अ सेकेंड एंड देन पुशिंग अप, सो नो मोमेंटम, सब कुछ यहाँ पर मेरे फ्रंट डेड पे आया, फीलिंग गुड। टू मोर सेट्स, लेट्स गो ब्रो, ट्रेन करेंगे। शोल्डर प्रेस हुआ, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लो टू हाई केबल फ्लाइज मारे, और अभी मैं ट्राइसेप्स कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्राइसेप्स के लिए एक बहुत यूनिक सा बार है, चेक दिस आउट, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इसका जो एंगल है वो पुश डाउन के लिए परफेक्ट है ऑनेस्टली मैं कहूँगा, बट इससे पहले मैं थोड़े से ओवर एक्सटेंशन लगाऊंगा, और मुझे एक अच्छा स्पॉट मिला है मिरर में जहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छा है, तो मोस्टली इसके बाद मैं मनोज को फोटोज देने के लिए बोलूँगा। Oh my god. हमने एंड में थोड़ा सा बैक भी किया जो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, आई थिंक मनोज हैज रिकॉर्डेड इट, सो अगर आपने लैट पुल डाउन देखा तो वो उसके कैमरे से था, बट बहुत मज़ा आया। कल मेरे प्रोग्राम के हिसाब से रेस्ट डे है, बट आई विल स्टिल डू बैक एक्सेसरी बिकॉज इसका लेग्स है, आई एम श्योर यश भी ट्रेन करेगा, सो मुझे फोमो आ जाएगा इसीलिए आई एम गोना ट्रेन, बट दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रॉ वीडियो पसंद आया, आई डिडंट वांट टू पुट म्यूजिक बिकॉज ये जिम का जो वाइब है, आई वॉन्टेड यू गाइस टू ऑब्जर्व इट। अब हम चलेंगे सबवे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स गो।